हेलो दोस्तों, द टेक प्रो में आपका स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं, जो हमें इंडिया में दिसंबर के महीने में देखने को मिलने वाला है। ग्लोबली बहुत सारे स्मार्टफोन आते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। इनमें बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो दूसरी कंट्री में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन हमें इंडिया से मतलब है कि इंडिया में कौन कौन से फ़ोन देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे दिसंबर के महीने में कौन कौन से फ़ोन आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहला फ़ोन यहाँ पर एसुस का जेन फोन मैक्स प्रो M2। ये कन्फर्म है कि दिसंबर के फर्स्ट हाफ में आप लोगों को जेन फोन मैक्स प्रो M2 देखने को मिलेगा। ये मैक्स प्रो M1 का सक्सेसर बनकर आएगा। अगर हम बात करें मैक्स प्रो M2 की, मैक्स प्रो M1 से मेजर इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। प्रोसेसर के अलावा कैमरा में भी काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलेगा। प्राइस में भी कुछ M1 के आसपास ही देखने को मिलेगा। आज भी Asus का Max Pro M1 बहुत ही अच्छा फ़ोन है और काफ़ी ज़्यादा बिकता भी है अभी भी। और हाँ, Max Pro M1 की तरह ही Max Pro M2 में भी स्टॉक एंड्रॉयड ही देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कितना जल्दी लॉन्च करते हैं, ये हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। यहाँ पर अगला फ़ोन है नोकिया का 7.1 प्लस या नोकिया का 8.1 प्लस। हालांकि ये दोनों एक ही फ़ोन है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि नोकिया इसको किस नाम से इंडिया में लॉन्च करेगा 6 दिसंबर को, क्योंकि ये एक 7 बनकर पहले ही चाइना में लॉन्च हो गया है। इसमें स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर मिलता है। 6.18 इंच की आप लोगों को फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, वो भी नॉच वाला। आप लोगों को डुअल रियर फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा 12+13 मेगापिक्सल का, और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, और 3500 mAh की बैटरी भी मिलती है। USB टाइप सी और एंड्रॉयड 1 के साथ आता है। बहुत ही अच्छा फ़ोन है और बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट्स है, और इंडिया में ये शायद 20,000 के ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि ये चाइना में 15,000 से 20,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। अब देखना ये होगा कि नोकिया इसको किस नाम से और कितने में लाता है, ये तो 6 दिसंबर को ही पता चलेगा। अगला फ़ोन की बात करते हैं। यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, और वो है ओप्पो का R17 Pro। जिसको ओप्पो का फ़ोन लेना है वो ओप्पो ही लेगा। कुछ समय पहले ये चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके अंदर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिला था। वाटर ड्रॉप नॉच है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर है, और सुपर हुक चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों को ये फोन देखने को मिलेगा। यानी एक घंटा से कम में आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा। ये जो फोन है 4 दिसंबर को इंडिया में आने वाला है। तो बस अब ये देखना है कि इंडिया में ओप्पो इसे कितने में लाता है। वैसे चाइना में इसकी प्राइस 30,000 से ऊपर थी। क्या आप लोगों को लगता है अगर ये इंडिया में 30,000 के ऊपर प्राइस रखता है तो ये इंडिया में चलेगा? आप नीचे दिए कमेंट में बताना, हमें तो नहीं लगता है। यहाँ पे उसके बाद बताया जा रहा है कि नोबिया इंडिया के अंदर दिसंबर के महीने में अपना एक गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, नोबिया का रेड मैजिक। जी हाँ, रेड मैजिक 2 अभी नहीं आएगा, रेड मैजिक मैक्स भी नहीं आएगा। हालांकि ये गेमिंग सीरीज का फर्स्ट एडिशन है रेड मैजिक, जो कि चाइना में बहुत पहले ही लॉन्च हो गया था। अभी इंडिया में दिसंबर में लॉन्च करेगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर होगा। यह चाइना के अंदर 30,000 के प्राइस के आसपास लॉन्च हुआ था। अब देखना यह है कि नोबिया इसको कब और कितने प्राइस पे लाता है। इसके बाद अब यहाँ पे मीजू अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मीजू, आपने सही सुना, मीजू बहुत टाइम बाद इंडियन मार्केट में कमबैक करने वाला है। आई थिंक 2016 में M Note करके कोई फ़ोन लाया था। ऐसे भी मीजू का कोई नामो निशान नहीं है इंडियन मार्केट में, और जो लोग यूज भी कर रहे होंगे उन लोगों को तो कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा होगा। लेकिन मीजू अब कमबैक कर रहा है प्रीमियम और बजट दोनों सेगमेंट में, और मीजू अपने कुछ फ़ोन इस महीने लेके आएगा इंडियन मार्केट में। ऐसे मीजू चाइना में बहुत अच्छी फ़ोन लॉन्च करता है बहुत अच्छे प्राइस पे। अब देखते हैं मीजू हम सभी लोगों के लिए इस महीने में क्या लेके आता है। दोस्तों, ये जो अगला फ़ोन है ये तो नया फ़ोन नहीं है, लेकिन नया एडिशन आ रहा है। जी हाँ, 1+60 का मैकलेरिन F1 एडिशन। सो बेसिकली मैकलेरिन के ब्रांडिंग के साथ होने वाला है। 1+ और मैकलेरिन ने पार्टनरशिप की। ये होने वाला है लॉन्च 12 दिसंबर को। लेकिन एक बात कंफर्म है दोस्तों, अभी तक का ये 1+ का सबसे महंगा फोन होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी हो सकती है, 50,000 के ऊपर या 50,000 के आसपास? आप नीचे दिए गए कमेंट में बताना। और दोस्तों, अगला फोन है हमारे लिस्ट में Moto G7 Plus और Moto G7 Play। इसमें स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दिसंबर के फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में लॉन्च हो सकता है। मोटो से बस एक ही अपील है दोस्तों, जो प्राइस है ना वो Moto G6 Plus जैसे नहीं रखे। और दोस्तों, अगले नंबर पे आता है सैमसंग का गैलेक्सी A8s। जी हाँ दोस्तों, ये पहले चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया में लॉन्च होगा। इसकी खासियत ये है कि इसमें पंच होल होने वाले हैं, इसमें सिर्फ एक बिंडी टाइप होल होंगे। सैमसंग इसे इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कह रहा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर पे आएगा। पंच होल वाले एक और फ़ोन होने वाले हैं, वावे का नोवा 4। वावे नोवा 3 इंडिया में 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था, और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन था। नोवा 4 की स्पेसिफिकेशन तो पता नहीं है, लेकिन इसमें पंच होल होने वाले हैं, बेजल लेस डिस्प्ले होने वाले हैं, ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा होने वाले हैं, और ये आने वाले इसी महीने यानी दिसंबर में। डिटेल बाकी कुछ नहीं है हमारे पास, जैसे ही आएगा ज़रूर आप लोगों को बता देंगे।
चलिए दोस्तों, ये थे कुछ स्मार्टफोन जो आने वाले हैं दिसंबर में। मैं तो सभी फोन का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताना इस सब फोन में से आप किस फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। अगर हमसे कोई भी स्मार्टफोन मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय।